बस कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज एक और वीडियो में हम आपको वेलकम करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्ट फूड, क्योंकि काफ़ी दोस्त यार जानना चाह रहे थे कि मैं अपने बच्चों को क्या सॉफ्ट फूड देता हूँ। तो आएँ, अब हमारा सॉफ्ट फूड का टाइम है, तो आज हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि सॉफ्ट फूड में मैं क्या डाल रहा हूँ, कौन से विटामिन डाल रहा हूँ और किस तरह से देता हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। अच्छा, अब जैसे ये हमारे सॉफ्ट फूड के अंदर हमने लूसन है जो बारीक हमने काटा हुआ है, इसी के साथ तकरीबन एक केजी तक हमारा सॉफ्ट फूड है ये जो हमने भीगा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर मैं जो डालता हूँ मकई है, गंदम है, काला चना है, इसके साथ जई, जौ, सनफ्लावर और थोड़ा सा बाजरा हम ऐड कर देते हैं, और इसी के साथ कनेरी सीड में डालता हूँ जो मैं अलग से ऐड करता हूँ, भिगोता नहीं हूँ। ये माशाल्लाह से एग एंड ब्रेड है, ये मैंने खुद पीसा है, इसके अंदर मैंने दो अंडे, दो स्लाइस और दो पापे, और इसी के साथ थोड़ी सी हमने हल्दी डाली है, पत्ती कच्ची हल्दी। अच्छा, इसी के साथ जो हम विटामिन में यूज करते हैं ये आ गया आपका मीलवॉर्म्स, आ गया पाउडर फॉर्म में, सॉरी ये डीप रीडर, और ये मोरिंगा है हमारा, इसी के साथ कैल्शियम पाउडर है, और एक चीज हम ऐड करना और भूल गए इसके अंदर, वो हम ऐड कर देते हैं डी न्यूट्रिकल। अच्छा, डी न्यूट्रिकल और सॉलिड डी ब्रीडर अमूमन एक किलो के अंदर जो हमारा यूज होता है वो होता है 10 ग्राम, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कम से कम 8 ग्राम का यूज करूँ ताकि बर्ड्स हेल्दी रहे। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो हम इसमें ऐड करते हैं, और इसी के साथ साथ अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं, इसको पहले हम आपस में हल्के हाथ से करेंगे, क्योंकि एग एंड ब्रेड के अंदर ये सारा जो पाउडर फॉर्म है ये हमारा अच्छे से जब हो जाएगा, और एग एंड ब्रेड और ये आपका जो हरी चीज है लूसन, ये बर्ड बहुत जल्दी उठाता है, सबसे पहले बर्ड यही खाने की करता है। अच्छा जी, अब जैसे आपने देखा ये अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है, इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सॉफ्ट फूड। अच्छा, इसको हमने क्योंकि भीगा हुआ था इसको हमने अच्छे से ड्राई किया है, धूप लगाई है, और उसके बाद अब इसके अंदर तकरीबन मैं डाल रहा हूँ कोई 15 ml तक फिश ऑयल, यानी कि कॉड लिवर ऑयल। ये सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है बर्ड्स के लिए, और हेल्दी भी होता है, प्रोटीन भी है, बहुत फायदेमंद चीज है ये। अब इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे, जितना अच्छा ये मिक्स होएगा उतना अच्छे से जब भी रहेगा, तो हमने ख्याल करना है कि इसको हम बहुत अच्छे से जब कर लें, मिक्स कर लें। और पर्सनली मैं खुद भी जो सॉफ्ट फूड देता हूँ मिट्टी के बर्तन के अंदर देता हूँ, उसमें ये एडवांटेज होता है अगर बर्ड के बाद बच भी जाए तो उसमें स्मेल नहीं होती, खराब नहीं होता, क्योंकि आज हमने इनको लूसन डाला है, कल हम इनको चुकंदर या बंद गोभी कोई भी एक सब्जी ऐड कर देते हैं, उससे ये होता है कि सब्जियों में विटामिन अच्छे होते हैं और बर्ड बहुत आराम से खाते हैं। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा सॉफ्ट फूड मिक्स हो गया है और एक मल्टी कलर के अंदर आ गया है, यानी कि बर्ड्स को अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। अब ये हमारे पास बर्तन है, अब जो मेरे पास ब्रीडर से आया है ये अंडों पे आया है, उसकी क्वांटिटी हम ये रखते हैं, और जो बच्चों वाला जोड़ा है जैसे कि माशाल्लाह से चिक्स पाल रहा है उसको मैं ये क्वांटिटी देता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है नेक्स्ट डे जब मेरे पास आते हैं बाउल तो फुल एम्प्टी हुए होते हैं। इसी के साथ मैं आपको सर्व करते हुए भी दिखाता हूँ, आप देखिएगा और फिर खुद बताइएगा माशाल्लाह। अच्छा, अब जैसे कि ये हमने सॉफ्ट फूड रखा है, ये हमारा पेयर है, इसको हम दे देंगे, ये हमारा अभी लेंग की तरफ आ रहा है, ब्रीड नहीं करी, ये माशाल्लाह से हमारा एक पेयर है जिसको हमने भुट्टा दिया हुआ था, और ब्रीडर पेयर है, इसको हमने ये सॉफ्ट फूड दे दिया है, और अब आप देखिएगा इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट के अंदर ये सॉफ्ट फूड सा आ जाए। अब इसी के साथ ये एक पेयर है माशाल्लाह से बच्चे पालता हुआ, इसको हमने सॉफ्ट फूड दे दिया है, एक ये पेयर है ये माशाल्लाह से 5 बच्चे पाल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इनको सॉफ्ट फूड दे दिया, और आप देखेंगे कि हम इनको अभी 2 मिनट का टाइम देंगे ये खुद ही सॉफ्ट फूड के ऊपर उतरेंगे। अच्छा जी, ये देख लें, ये माशाल्लाह से मेल आ गया है और इसे सॉफ्ट फूड के ऊपर खाने के लिए, अब ये खाएगा और जाके फीड कराएगा माशाल्लाह से।